top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. वो भी सब आज आके अपना इस बारे में सबको बताएंगे और सब इस विषय पे बोलेंगे. किशन अग्रवाल जी थोड़ा सा इस पर और रोशनी डालेंगे. एक इंडस्ट्री में किस किस तरह के रिस्क होते हैं और उनको कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, कैसे सेव किया जा सकता है, इसके ऊपर काफी विचार करेंगे और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम इसको मिटिगेशन करने की कोशिश करेंगे. फायर है, चोरी हो जाती है अपना, और बाढ़ आ जाती है, इस सभी प्रकार के रिस्क के ऊपर हम उसमें बातचीत करेंगे और सुझाव देंगे. साइबर क्राइम होते रहते हैं. उत्तर प्रदेश का पहला साइबर थाना नोएडा में स्थापित हुआ है. तो यहाँ पे जितनी भी साइबर थ्रेट्स और साइबर क्राइम हो रहे हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, उनसे बचाव के उपायों के बारे में चर्चा करना और उन्हें उस चीज के लिए करना कि यदि कल को थ्रेट आती है तो उसे कैसे देखते हैं, इस बारे में चर्चा की जाएगी. इसके लिए हमने दिनेश यादव जी से आग्रह किया है कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें. उन्होंने आश्वासन दिया कि वो आएंगे और हमारे मेंबर्स को पूरा जितने भी प्रोग्राम्स हुए उनको काफी अच्छे तरह या और तरह के जो हमारे डे टू डे हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके ऊपर रिस्क जो इन्वॉल्व होते हैं उसके ऊपर एक गोष्ठी रखी हुई है और उस जिसमें डीएम साहब है हमारे नगेंद्र सिंह जी बड़े एक्टिव है हमारे बहुत ही बेस्ट रिलीज आप लोगों को सबको मिल. आपको एक बायर है आप जिसको आप अपना माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं. अब आपको एक दूसरा अकाउंट नंबर दे दिया कि इसमें पेमेंट कर दो. कई कुछ किस्से ऐसे संज्ञान में आए कि वहां पेमेंट हो गई. अब जो एक्सपोर्टर उसको तो पता ही नहीं कि पेमेंट आ गई है, वो बायर को लिख रहा है कि पेमेंट नहीं आई और फिर उसने तो आपके बायर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या आपके आर्थिक लाभ आर्थिक हानि या परेशानी पहुंचा सकते हैं. तो उसके लिए साइबर जो फायरवॉल होती है वो इम्प्लीमेंट करने की जानकारी और बाकी जो भी उपाय होते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. वेलकम यू हियर जी. नॉट टेक मच टाइम बिकॉज़ आई वुड लाइक द स्पीकर्स. आई एम श्योर द इंडस्ट्री सिटिंग आउट हियर मैंने अपनी इंडस्ट्री लगा ली एंड दैट इज एक्चुअली अ प्राइड मोमेंट. यहाँ साथ में चमेले बहुत हैं. And that is a fact. As an industrialist, you have to operations wherein you should be devoting your time. But unfortunately, with this, some other kind of risks do come up, and you end up spending your time there. So today, what we are trying to explain is so that you do not first how to understand those risks, and then how to manage them in this operations and business promotion. And he surprisingly noted that the account number mentioned in that payment advice was not his own account number. He of course went back. This is not my account. This is my new account number. Please make the payment to this bank. Found email message to the buyer and got the payment into his account. Now he is running from pillar to post. How to recover that money? So this is just one example. Other commercial crimes like whenever you run an industry, you have God forbid a fire incident, the airplane might crash. Those kind of risks they need to cover. Most of the policy to take, how to take, when to take, what clauses need to be inserted, then you will not have it. I just like to interrupt and in between this, after that, please excuse me to that. Every time you become a millionaire. Yeah, so I'd like to, please keep an example. This matters to all of us, because I have faced 4-5 things. You might have faced another thing which I have not faced. So I'd like to bring to this forum. And let everybody know about it. Let everybody be prepared about it. Yeah? The mail is coming. The order was never taken. You do not know that party. The email, how many of you have received the email? The payment has been transferred. Mr. Chai. Mr. Anandla. He says, what order is it? You have not ordered anything. मैं राजीव बंसल IIA नोएडा चेयरमैन. सर आज ये गोष्ठी हुई है, किस लिए की जा रही है ये गोष्ठी? भी ऐसा है कि हमारे उद्यमियों में अक्सर ये दिक्कत जब हम आपस में चर्चा करते हैं ये महसूस की गई है कि उद्यमी अपना उद्योग लगाने के बाद जो वो समस्याएं और परेशानियां उसको आती हैं तो उस परेशानी
ऐसे रिस्क से जो कि रूटीन की बिजनेस की रिस्क से हट के है, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनें कौन सी खरीदनी, मार्केटिंग करनी, वो तो एक उद्योग का काम है, एक इंडस्ट्री का काम है, बट उसके अलावा जो गलत की चीज़ों में रिस्क में फंस जाता है और उस असली बिजनेस उसका ध्यान हट जाता है, उस पर हमारी चर्चा है। जैसे उदाहरण के तौर पे साइबर क्राइम, अब आप आजकल हर चीज़ ईमेल और इंटरनेट पे कर रहे हैं, अपना कम्युनिकेशन अपने बायर या सप्लायर से ईमेल पे कर रहे हैं, ईमेल हैक करके किसी ने आपका डाटा चुरा लिया या ईमेल पे गलत इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है, तो उससे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे समझें, उस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमें गूगल से कुछ एक्सपर्ट्स आ रहे हैं जो साइबर वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। नोएडा से SP सिटी एंड साइबर क्राइम दिनेश यादव जी आ रहे हैं, वो समझाएंगे कि सरकार ने क्या कानून बनाए हैं, उस पर कैसे आप हम कानून समझें और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। सेमिनार में आए हैं, आपने अटेंड किया है, क्या सेमिनार के बारे में बताइए। देखिए, जो वर्तमान में इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए जितने भी डायमेंशंस हैं, वो सारे डायमेंशंस पर आए कि लोग वर्कशॉप करके एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और स्पेशली आज के टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी में, जितने तरह के नए आयाम रिस्क के संदर्भ में आ रहे हैं, उनके मैनेजमेंट के संबंध में एंटरप्रेन्योर्स को अवेयर करना एक बहुत ही बड़ा काम है, और मैं एक लोगों की प्रशंसा करता हूँ और उन्हें इस दिशा में कदम। थैंक यू।